यहाँ पर मैं ले रही हूँ 20 बादाम, इसमें डाल दूंगी मैं पानी और इसे एक घंटे के लिए इसी तरीके से भिगोकर रख दूंगी। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है फुल क्रीम दूध, मैं यहाँ पर आधा लीटर दूध ले रही हूँ और दूध को मैं गर्म होने दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन डिशेस पर। मैं प्रीतु आज आपके लिए लेकर आई हूँ खजूर का शेक। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 खजूर। खजूर को मैं इस तरीके से बीच से कट लगा करके इसके जो सीड्स होते हैं उसे निकाल कर अलग कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से मैं सारे खजूर के सीड्स को निकाल कर अलग कर दूंगी। ये देखिए बादाम फूल चुके हैं, मैंने इसका पानी हटा दिया है, खजूर के सीड्स भी निकल कर अलग हो गए हैं। तो इसे मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। इसी में डाल रही हूँ मैं बादाम, इसी में डाल दूंगी मैं दालचीनी। मैंने यहाँ 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और इसी में डाल दूंगी मैं आधा कप दूध और इसे पीस कर पेस्ट बना लूँगी। दूसरी साइड ये देखिए दूध में एक बॉयल आ चुका है, यहाँ पर मैं फ्लेम को धीमा कर रही हूँ और इसमें मैं डाल दूंगी इलायची। मैंने यहाँ पर इलायची को क्रश कर लिया था, मैंने यहाँ 1 टीस्पून इलायची ली है। इसी में डाल दूंगी मैं चीनी, चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैंने यहाँ 1 टीस्पून चीनी ली थी और हल्दी पाउडर, मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। एक बार मैं फिर से दूध में बॉयल आने दूंगी और फिर इसे रख कर मैं ठंडा कर दूंगी और जब तक दूध ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक इस पेस्ट को हम दूध में नहीं मिलाएंगे। ये देखिए दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा किया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है खजूर वाला पेस्ट। तो ये हमारा खजूर शेक बनकर रेडी हो चुका है।